नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेट फंक्शंस और पाथ फंक्शंस क्या होते हैं और उन्हें कैसे लर्न करते हैं। तो दोस्तों, स्टेट फंक्शंस वो होते हैं जो किसी भी इस सिस्टम की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। वो रिएक्शन या वो सिस्टम किस पाथ से होकर के आ रहा उस पर डिपेंड नहीं करते हैं। और स्टेट फंक्शंस को लर्न करने का हमने एक बहुत ही अच्छा एक्रोनिम बनाया है, पीटी उषा को आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही अच्छी एक एथलीट हैं पीटी उषा। आपको सिर्फ उनका नाम याद रखना है। यहाँ पर P फॉर प्रेशर, T फॉर टेम्परेचर, U फॉर इंटरनल एनर्जी, S फॉर एंट्रोपी, H फॉर एंथैल्पी एंड A फॉर वर्क फंक्शन। तो ये सारे जितने क्वांटिटीज हैं ये सब स्टेट फंक्शंस हैं। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर किसी सिस्टम की या किसी रिएक्शन की डिपेंड करते हैं। अब कुछ बचे हुए जो फंक्शंस हैं वो हो गए पाथ फंक्शन, जैसे वर्क W। वर्क क्या है? पाथ फंक्शन है। वर्क डिपेंड करता है आप किस पाथ से होकर के आए हैं, ये फाइनल या इनिशियल स्टेज पे नहीं डिपेंड करता है। आपने इसको फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो दोस्तों, ये स्टेट फंक्शन केमिस्ट्री में जनरली इन्हीं स्टेट फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं, और एक पाथ फंक्शन जो कि वर्क है इसका हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। तो ये था एक्रोनिम, या आप कहें एक ट्रिक थी स्टेट फंक्शंस और पाथ फंक्शंस को लर्न करने की। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स मैं आपको देने वाला हूँ अपने चैनल केमिस्ट्री वेला पे। अगर आपको रियल में मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर मैं कुछ दिनों के बाद लाइव सेशन करने जा रहा हूँ, जिसपे आप लाइव हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो देर करे बिना आप तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।